भारतीय सिनेमा ने एक लंबा सफर तय किया है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अनेकों फिल्म बनी है, जिसमें समाज में राजनीति के मुद्दों पर अलग अलग फिल्मों के द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। हाल ही में जब नेशनल अवार्ड की घोषणा की गई तो उसमें कामाख्या नारायण सिंह की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड को अवार्ड मिला। उसमें उन्होंने जो इशू लिया, एक सोशल इशू लिया, उसमें आर्टिकल 370 जब हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, उसमें वहां के जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले वाल्मीकि समुदाय है उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, उनको पहले कैसे रह रहे थे वो, उसके बाद 370 हटने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, उस पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई थी कामाख्या नारायण सिंह ने और उसको अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड। सर बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो इस अवार्ड के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर नेशनल अवार्ड की जब घोषणा हुई सबसे पहला रिएक्शन क्या रहा और क्या उम्मीद थी आपको कि ये अवार्ड डॉक्यूमेंट्री सीरीज के लिए मिलेगा जब आप बना रहे थे? उम्मीद नहीं थी पर हाँ हम देख रहे थे, अनाउंसमेंट देख रहे थे क्योंकि कहीं मिल जाए तो इसलिए अनाउंसमेंट देख रहे थे, पर उम्मीद बहुत दिन पर हाँ दिल में तो होती ही है कि हाँ मिल जाए तो अच्छा होता। और उसमें एक रीजन ये भी था कि अगर नेशनल अवार्ड मिलता है तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री को बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, तो क्या होगा कि अगर नेशनल अवार्ड मिलता है तो एटलीस्ट थोड़ी चर्चा होगी और ये लोगों तक और पहुंचेगा डॉक्यूमेंट्री। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये नेशनल अवार्ड मेरे लिए कि और लोगों तक ये बात पहुंचे कि वहां किस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो 370 कहीं ना कहीं 370 और 35 के हटने के बाद सॉर्ट आउट हुआ है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। जी तो सर मेरा यही सवाल होगा कि जब आप ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो ये आइडिया कहाँ से आया, क्या ये जब आर्टिकल 370 हटाया गया उसके बाद आपके पास आइडिया आया, उससे पहले भी आपके दिमाग में या आपकी रिसर्च टीम जो भी होगी वो इस पे काम कर रही थी, तो कैसे ये आइडिया कहाँ से पिच हुआ? सो ये आइडिया बहुत पहले से है और 2016 में भी हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। कहानी थोड़ा और आगे है, 2012-13 के आसपास मेरे मित्र वहां रिसर्च कर रहे थे और जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने जो फैक्ट्स बताए मुझे कि पहले बताए कि वो एक दलित के बस्ती में गए, वहां सफाई कर्मचारी के बच्चों से मिले और पता चला कि एक लड़की थी जो मेडिकल का एग्जाम दे चुकी थी और उसके बाद भी उसको एडमिशन नहीं मिला क्योंकि उसके पास PRC नहीं था। फिर राधिका गिल से थोड़े दिनों बाद मिले और उस वो इतना हताश थी कि वो कोई इंटरव्यू कोई किसी प्रकार से सिस्टम के साथ बातचीत करना नहीं चाहती थी। उसके बाद वो गारू भाटी से मिले तो गारू भाटी ने बताया कि उनकी माँ जिस सड़क पे झाड़ू देती थी उस सड़क पे ही उनको भी झाड़ू देना पड़ा जहाँ की उनको झाड़ू देना पसंद नहीं था। तो मुझे लगा कि जिस देश में दलितों के अधिकार पे इतनी बड़ी बातें हो रही है उस देश में हम क्या कर रहे हैं। फिर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को वहां पे अधिकार नहीं मिल रहे थे, वुमेन जो जेंडर इशू था कि जो पूरी महिला जम्मू कश्मीर की थी वो कहीं बाहर शादी करें तो उनको अधिकार। तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई 2016 में, तो हम लोग सोच रहे थे 2014 से कि हमको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। 2016 में फरवरी में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई विक्टिम्स ऑफ आर्टिकल 35 तो वो रिलीज करी हमने 2017 में। उस समय इस मुद्दे का समझ ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को नहीं था, इवन जितने बड़े लॉयर्स थे इस देश के उनके पास हम जब गए तो उनको कहा कि एक 35A आर्टिकल है तो वो कहते नहीं ये बेसिकली इसको अपेंडिक्स में रखा गया था, इसको मेन क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया था तो किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा आर्टिकल होता है। और सोचिए 70 साल से उस आर्टिकल के वजह से और 370 के वजह से लोगों को वहां पे दिक्कतें हो रही थी, वहां पे उनको जो ह्यूमन राइट्स होते हैं जो समानता का अधिकार होता है वो नहीं मिल रहे थे। फिर हम इन्वॉल्व होते गए, 2016 में जब डॉक्यूमेंट्री बनाई तब और इन्वॉल्व हुए, 17-18 में कांस्टेंट बात होती रही क्योंकि सी एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर क्या होता है आप जब लोगों से जाकर मिलते हैं तो आपका एक संपर्क एक संबंध तो बन ही जाता है। तो गारू भाटी से रहा, 17-18 के आसपास मैं राधिका गिल से मिला, राधिका गिल से विस्तृत रूप से बात हुई मेरी जब वो जेवियर्स कॉलेज 2018 में आई। 2018 में मुझे वो सीन याद है, जेवियर्स में वो पोडियम पे बैठ के अपने प्रॉब्लम्स बता रही थी, गारू भाटी थे वो थी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे और जब वो देखिए क्या होता है एक उम्रदार आदमी अपनी बात बताता तो लगता है, पर जो देश का भविष्य है वो कहता है कि मुझे BSF में जाना था और मुझे BSF में
जाने नहीं दिया गया क्योंकि मेरे पास पीआरसी नहीं था। मुझे वो अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग याद था कि उसके उनके हाथ पे लिख दिया था मेरा बाप चोर है, यानी कि उनके हाथ पे लिख दिया गया कि मेरे बाप सफाई कर्मचारी और मैं भी सफाई कर्मचारी ही बन सकती हूँ इस देश में। तो वो मुझे बड़ा वो लगा कि इस ये देश ये जो संविधान बना है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड लोगों के राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए बना है। पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 2016 में, तो वो उन लोगों के मूवमेंट के साथ तो हम जुड़े हुए थे। जब 2019 में खत्म होता है और मैं मेरे दोस्तों को लगता था कि किसी दिन कोर्ट से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, पर मुझे कभी कभी लगता था कि नहीं यार 70 साल हो गए क्या होगा। जिस दिन 2019 को ये खत्म हुआ मुझे लगा अब उनके अधिकार मिल गए। 2020 में लॉकडाउन पर 19 के बाद यू नो लॉकडाउन आ गई। उसके बाद मुझे जुलाई में किसी ने बताया कि राधिका को उसका पीआरसी मिल रहा है। मुझे लगा उस पर तो एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, इस लड़की का एक जर्नी हमने देखा है उसको जेवियर्स में बच्चों से बात करते हुए, और एक तरफ जब पॉडियम पे वो बात कर रही थी और दूसरी तरफ जो सामान्य बच्चे थे, तो मुझे लगता इसमें डिफरेंस क्या है, हमने इसके सपने तो चुरा लिए हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। और आई मतलब इसके वजह से हमने गए और वो लॉकडाउन के अंदर शूट किया, पहले भी 2016 में शूट किया था, 17 में 18 में शूट किया था उसके साथ, तो ये सारी चीजें लेकर। और मुझे इस बात का गर्व भी होता है कि राधिका को पहली बार मेरे मित्रों ने ही खोजा और उससे बात की। और उसके बाद जब ऑक्सफोर्ड में भी जब जय पांडा जाते हैं तो वहां बताते हैं, बहुत सारे विद्वान बात करने लगते हैं राधिका के बारे में। तो कम से कम राधिका सिंबल बन जाती है वो सारे लोगों की जिनको उनके अधिकारों से वंचित किया गया था, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाना बहुत जरूरी था मेरे लिए। और एक और सवाल सर कि जब एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और एज अ फिल्म मेकर जब आप स्टोरीज आइडिया जब आपके पास आते हैं तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारी कहानियां होती हैं, लेकिन उसमें से किसी एक को चुनना और उसके लिए एक पूरा सफर तय करना, जैसे आपने भोर जब बनाई वो भी एक सामाजिक इशू पे था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था बिहार के कम्युनिटी को लेकर, आपने सोसाइटी को लेकर आपने दिखाया, तो आप जब ये दो चीजें देखते हैं भोर और उसके बाद अब जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड, तो क्या ये आप नहीं सोचते कि आपकी जो छवि है वो एक सामाजिक इशू को पोर्ट्रे करने वाले फिल्म मेकर के तौर पर बनती जा रही है? मैं सोशल वर्क का स्टूडेंट रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में अंबेडकर कॉलेज, जहाँ से समाज कार्य की पढ़ाई की है, तो हमेशा ये था कि सामाजिक मुद्दों को किस तरीके से उठाया जा सके। भूपेन हजारिका आसाम में जन्मा हूँ तो भूपेन हजारिका की फिल्मों को देखी है, बाद में जब बड़ा हुआ तो और कमर्शियल फिल्में बहुत देखता हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब जो मेन स्ट्रीम फिल्में वो भी बहुत देखता हूँ, पर कहीं ना कहीं वो अंदर जो बात है जब समाज कार्य आप पढ़ते हैं और जब लगता है आपको कि नहीं ये सारे मुद्दे भी मीडिया के माध्यम से सिनेमा के माध्यम से उठाए जा सकते हैं। और मुझे याद है कि मैं आजकल वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, समाज कार्य के प्रोफेसर होते थे, होते हैं अभी भी हैं, तो उन्होंने मुझे मनोज झा जी, तो मनोज झा, हाँ तो प्रोफेसर मनोज झा दिल्ली विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग में, तो एक बार जब हम मिले तो उन्होंने मुझे कहा, जब मैं जस्ट कॉलेज से पास आउट हुआ था, मैंने कहा मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा यार तुम कुछ भी डॉक्यूमेंट्री बनाओगे उससे क्या फायदा, उन लोगों को वॉइस दो जिनका वॉइस नहीं है। वो बात मेरे दिल में हमेशा मुझे याद रहता है मुझे कि वो जो वॉइसलेस हैं जिनको वॉइस नहीं मिला, अगर अपने डॉक्यूमेंट्री अपने फिल्मों के माध्यम से हम अंदर उनको वॉइस दे सके तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब नेशनल अवार्ड मिला आपके काम के लिए तो उस काम को वैलिडेशन मिल गया? जी थैंक यू। पर देखिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बात से है कि इम्पोर्टेंट इस बात के कि आज कम से कम वापस राधिका गिल को लोग उसकी बात कर रहे हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो किस प्रकार से समस्याओं में से जूझी है वो इम्पोर्टेंट है। और पता है जब भी 370 और 35 है, मैंने लोगों को समझाता रहा हूँ कि 370 और 35 को सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, 370 और 35 को सामाजिक दृष्टि से भी देखें कि वो किस प्रकार से वहां की समस्याओं में वहां समस्याएं क्रिएट कर रही थी, वहां के लोगों को उनके जो अधिकार हैं, अब वहां की जो महिला है इस युग में वो अगर किसी, उसको तो राइट टू चॉइस है ना, वो किसी को भी चूज कर सकती है अपना हस्बैंड, पर वो किसी बाहर वाले से शादी करती है तो उसके बच्चों को उसके प्रॉपर्टी के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। और ये इम्पोर्टेंट है कि आज लोग वापस उसकी चर्चा कर रहे हैं। और जब
जिन लोगों की आपने कहानी कही है, तो जब नेशनल अवार्ड मिलने की खबर उन तक पहुंची तो उनका क्या रिएक्शन था, और ये हमें बताइए। राधिका से मैंने बात की, राधिका को फोन किया मैंने, राधिका मैंने कहा राधिका थैंक यू हमें नेशनल अवार्ड मिला है, तो उसने भी मुझे थैंक यू बोला, मैंने भी थैंक यू उसको बोला, और कुछ नहीं हम बोल पा रहे थे। ये सी कुछ कुछ पल होते हैं जहां आप शब्दों में बयां नहीं कर पाते, जिनको आप शब्दों में बयां नहीं कर पाते, वैसा था। और जो पीआरसी वाली चीज थी, ये बहुत ही नई चीज, मतलब बहुत ज्यादा जो लोग हैं भारत, जो जम्मू कश्मीर से अलग रहते हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही नया टॉपिक था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाद लगातार ये जम्मू कश्मीर चर्चा में तो बना रहता है, लेकिन वहां लोगों को ये भी नहीं पता था कि पंजाब से वहां पे वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों को लाया गया 3,957 में, और उनको बसाया गया ये वादे के साथ कि आपको हम परमानेंट सिटीजनशिप का दर्जा देंगे, लेकिन उसके बाद चीजें हुई नहीं और वो लगातार 60-70 साल तक चलती रही। उस कहानी को आपने कही और बहुत ही बखूबी ढंग से, वो 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हर किसी को देखनी चाहिए, और अब तो नेशनल अवार्ड के बाद काफी लोग देख भी रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पे देख भी रहा था, काफी लोग शेयर कर रहे हैं और लोगों को पसंद आ रही है। तो सर मैं यही पूछना चाहूंगा आगे के काम, क्या आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल बेस्ड बनाना चाह रहे हैं या कमर्शियल मूवीज बनाना चाह रहे हैं आप? देखिए कमर्शियल तो होना ही चाहिए, क्योंकि पैसे तभी आएंगे, ठीक है, पैसे नहीं आएंगे तो आप फिल्म कैसे बनाएंगे। तो सोशल इश्यूज भी होंगे ही होंगे, बिना सोशल मुझे कोई भी कहानी जब तक उसमें इश्यूज नहीं है, इशू बेस्ड नहीं है, जो मुद्दा नहीं है उसके अंदर, तब तक वो कहानी मुझे समझ में नहीं आती। पर हाँ, उसको थोड़ा कमर्शियली डाल के ताकि वो वायबल हो प्रोड्यूसर के लिए भी, तो वैसे ही। पर हाँ, इशू बेस्ड ही फिल्म बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो इशू बेस्ड फिल्म बनाएंगे। एक कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है, और भी एक स्क्रिप्ट है जो स्पेशली एबल्ड बच्चे के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, तो ये दो प्रोजेक्ट्स है जिसपे काम कर रहा हूँ। पर हाँ, एंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप भोर भी देखे उसमें एंटरटेनमेंट है, वो आपको हंसाता है, आपको गुदगुदाता है, आपको बताता है कि एक संस्कृति ऐसी भी है इस देश में। और आप जब फिल्म मेकिंग करते हैं, आप जो फिल्म बनाते हैं, तो उसमें किरदार को चुनने की आपकी क्या मतलब टेक्निक क्या होती है, कैसे आप बड़े चेहरों को तवज्जो देते हैं या अलग सामान्य जो है जो थिएटर के लोग हैं उनको तवज्जो देते हैं, वो आपकी क्या तकनीक है? जो लोग उस किरदार में समा सके वो इम्पोर्टेंट है, वो बड़ा हो छोटा हो वो जरूरी नहीं है। जरूरी जब भोर मैं कर रहा था तो पहले मैं सोचा कि मैं बड़े स्टार्स को लूं और उसको बनाऊं उस तरीके से, पर जब भी मैं किसी स्टार को सोच रहा था तो मुझे वो चंपू नहीं दिखता था, मुझे वो सुगन नहीं दिखता था, वो मुझे बुद्धि नहीं दिखती थी। तो ये बहुत जरूरी है मेरे लिए कि वो जो भी किरदार हो, अभी मुझे किसी ने कहा, अभी तो आपको पता है साउथ की का प्रचलन है, तो मैं एक फिल्म जो कश्मीर बेस्ड बना रहा हूँ, साउथ का स्टार ले लो, ठीक है। मैंने कहा पर वो कश्मीरी एक्सेंट कैसे आएगा उसके अंदर, थोड़ा तो चलो पंजाबी एक्सेंट आ जाए कम से कम, वो नहीं आया तो फिर कैसे, तो लुक फील बातचीत वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी लैंग्वेज तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बिना तो आप स्टार हो नॉन स्टार हो वो चलता रहिए, मेरे लिए तो नहीं चलता। और अभी साउथ की फिल्मों की आपने बात की, एक्ट्रेस की बात की, तो अभी देखेंगे कि पिछले 1-2 साल से या 3 साल से बॉलीवुड एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, जहां उसकी फिल्में नहीं चल रही है, तो एज अ बॉलीवुड फिल्म मेकर आप इस पूरे क्राइसिस को कैसे देखते हैं, और इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता अभी है बॉलीवुड के पास, क्योंकि कोई भी फिल्में चल नहीं पा रही है, कंटेंट की कमी है, या लोग उस चेहरे से मतलब कि बोर हो चुके हैं कि एक ही तरीके का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों? मुझे लगता है ये इवोल्यूशन का फेज है, और मुझे लगता है साउथ नॉर्थ कुछ नहीं होता, सब हिंदुस्तान का सिनेमा है। आज जो हैदराबाद में बनी हुई फिल्में चल रही हैं या चेन्नई में बनी हुई फिल्में चल रही है, हो सकता है परसों, क्रिएटिविटी का कोई दायरा नहीं होता, तो एक दिन यहाँ पे भी लोग कुछ अच्छे आइडियाज लेके आएंगे जो चलेगा, जो मास को एक्सेप्ट होगा। पर ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बन रही है, बॉलीवुड में अच्छी फिल्में बन रही है, हो सकता है मास बेस्ड फिल्में नहीं बन रही है जो तेलुगु और तमिल में बन रही हैं, तो दैट डजंट मैटर। आपको पिछले 1-2 साल में देखने को मिल जाएगा कि कुछ अच्छी फिल्में यहाँ भी बन गई है। फॉर्मूला नहीं है ना, देखिए 2+2 is 4 इन मैथमेटिक्स, क्रिएटिविटी में 2+2 can be 20 also. Yes. तो इस इवोल्यूशन को आप कैसे देख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा कहाँ से कहाँ पहुंच गया है? हिंदी सिनेमा का भविष्य बहुत अच्छा है, तो कहां से कहां, कहीं नहीं, इट्स इन गुड प्लेस एंड गुड हैंड्स,
ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि हाँ हमें ह्यू एंड क्राई करना है। ठीक है, एक दिन एक आइडिया है जो नहीं चला, उसका मतलब नहीं होता कि कल जो आइडिया आएगा वो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, हमेशा वो होता है। और हिंदुस्तान में हर हर लैंग्वेज उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो आज अच्छा है ना तेलुगु पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तमिल अगर कोई भोजपुर में बैठा हुआ आदमी तमिल की फिल्में देख रहा है तो ये तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तमिल भी हमारी भाषा है और तेलुगु भी हमारी भाषा है। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, दिस इज व्हाट आई फील फ्रॉम इनसाइड। आई हैव ऑलवेज बीन फाइटिंग विद माय फ्रेंड्स टू टेल देम दैट यस दिस इज व्हाट गुड व्हाट इज गुड। यस, अब आपके जो डॉक्यूमेंट्री है उस पर लौटते हैं, क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्री से जो मैसेज देना चाहते हैं क्या वो मैसेज देने में आप सफल हो पाए? मुझे लगता है कि मैं सफल हो गया हूँ, मैं लोगों को और ये लोगों तक पहुंचे तो ये और सफल होगा, वरना तो मैं जो मुझे कहना था जो बोलना था वो दोनों डॉक्यूमेंट्री में, वो पहली बार जो हमने बताया था आर्टिकल 35A के विक्टिम्स के ऊपर और 370B ये जस्ट डिलेड बट डिलीवर्ड, दोनों में इस बात को हमने कहने की कोशिश की है कि जर्नी क्या रहा है, तो दैट वी हैव बीन सक्सेसफुल आई फील। यस, और सर आप क्या फिल्म मेकिंग की तरफ कब से रुझान बढ़ा, कैसे आपने सोचा कि कॉलेज से निकलने के बाद फिल्में बनाई जाए, क्या आपका आपका क्या सफर रहा है? स्कूल से, तो स्कूल में हम कविता लिखते थे, तो जब कविता लिखते थे तो और कुछ भी एडवेंचरस रहे अपने लाइफ में, तो मुझे पता था कि भूपेन हजारिका हमारे सबसे बड़े राइटर सिंगर कंपोजर हैं, तो मैं उनके यहाँ चला गया, 11वीं में पढ़ता था, तो उनके यहाँ गया और उनको कविताएं सुनाई, उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने गले लगाया और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी वहां के किसी पब्लिशर को कि इनकी कविता की किताब छाप दीजिए। अब जब कविता की किताब छप गई तो हमको लगा कि और हम लिख सकते हैं, तो कहानियां सोचने लगा और फिर उस समय पढ़ रहा था तो पता चला कि अगर, और भूपेन दा का कहना यह था कि सामाजिक इश्यूज बहुत जरूरी है उठाना, तो मैं पढ़ रहा था कि सामाजिक इश्यूज में अगर क्या पढ़ा जा सकता है क्या, वो तो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में समाज कार्य की पढ़ाई होती थी, तो वो मैंने चूज किया दिल्ली आके। दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज है बी आर अम्बेडकर कॉलेज, वो इकलौता कॉलेज था जहाँ पे सोशल वर्क की पढ़ाई होती थी लड़कों के लिए, तो वहां पे मैंने एडमिशन लिया और वहां पढ़ाई की। पर ये शुरू से था कि मुझे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनना है और वो तो बाद में फीचर फिल्म्स भी बनाई मैंने, मतलब बोर फीचर फिल्म था। तो उसके बाद मैं न्यूज लॉन्ड्री के मालिक, जब मैं कॉलेज पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा डायरेक्शन सीखना था, तो उस समय ना येलो पेज आता थे, तो येलो पेज खोज के आप सोचिए गुवाहाटी से आया हुआ लड़का जिसका कोई दिल्ली में संबंध नहीं है और पेरेंट्स बिहार के थे जिनका बिहार में बहुत ज्यादा कला के प्रति इतनी रुचि नहीं होती है, तो घर में कोई माहौल नहीं था। तो येलो पेज में डायरेक्टर्स को खोजते खोजते एक डायरेक्टर मिले स्वागत सेन, उनको येलो पोज से फोन किया मैंने और फोन करके उनको मिला मैं जाके और उनको असिस्ट करना शुरू किया। फिर उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया तो मैं उनके साथ एपीजे चला गया और वहां उन्होंने कैमरा में सिखाया मुझे। उसके बाद जब पढ़ाई खत्म हुई तो अब क्या करना है पता नहीं, मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि यार तुम पैसा नहीं कमा सकते डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग से, तो एक कैमरा में थे अजय सेट्टी, उन्होंने मुझे रेफर किया, अभिनंदन सेखरी है न्यूज लॉन्ड्री के मालिक, अभी न्यूज लॉन्ड्री है, उस समय वो स्मॉल स्क्रीन चलाते थे, तो अभिनंदन सर के यहाँ मैं चला गया। तो अभिनंदन सर ने कहा आई लाइक योर वर्क, और मेरे पास एक छोटा कैमरा था, मैं खुद ही डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, तो आई लाइक योर वर्क, यू कैन वर्क विद मी, और सोशल इश्यूज में साल में एक आध डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो मैंने कहा पर मैं आपके साथ काम करना चाहूंगा। तो वहां लाइफस्टाइल मिल गया, लाइफस्टाइल सेगमेंट क्योंकि एनडीटीवी गुड टाइम्स लॉन्च हो रही थी, तो वहां उनके साथ काम किया, फिर उसके बाद CNN IVN में कुछ दिन काम किया, फिर मैं ट्रैवल एक्सपी यहाँ मुंबई आ गया ट्रैवल एक्सपी में एज अ डायरेक्टर। पर ये जो सोशल इश्यूज को छूना था ना वो साइड बाय साइड चलता रहा, वो कभी भी परस्यू करना मैंने नहीं छोड़ा। एक्टिविस्टों के साथ काम किया, राजेंद्र सिंह के साथ काम किया, जो मेरे मित्र हैं जम्मू कश्मीर पे रिसर्च करते हैं उनके साथ काम किया, तो इस प्रकार से सोशल इश्यूज को छूना छोड़ा नहीं। और जब फीचर फिल्म बनाया तो इसको सोशल इश्यूज पे बनाया और फिर डॉक्यूमेंट्रीज को बनाता गया हूँ। और आपने बनाई भी तो दो शानदार फिल्में बनाई है, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री और एक फिल्म भोर, और उससे पहले भी आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो नेशनल अवार्ड के बाद आपका क्या और रास्ता खुलेंगे आपको लगता है? जी बिल्कुल, इससे लोग और ज्यादा फोन कर रहे हैं एंड होप वो फोन कन्वर्ट हो कि वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दे मेरी फिल्मों को, दैट विल बी ग्रेट। तो ये थे हमारे साथ कामाख्या नारायण सिंह, जिनकी डॉक्यूमेंट्री को भी हाल ही में नेशनल अवार्ड मिला है। प्रिंट के लिए
और खबरों के लिए आप प्रिंट के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।